नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बयां करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। अनेकों अनेक चीख चित्कार इस कहानी में दबी हुई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से इसका किस्सा जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि शिवपुरी के बारे में भी आप जानते ही होंगे, और अगर आप इस गांव के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ज़रूर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। असल में शिवपुरी एक ऐसा इलाका है जहां लड़कियों की सौदेबाजी होती है। मीडिया में आए दिन यहां किसी न किसी रैकेट का पर्दाफाश होता है, या फिर पुलिस यहां से किसी लड़की को आज़ाद कराने पहुंच जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह पर लड़कियों को मात्र 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेच दिया जाता है। आंखें चौंधिया गई ना, आगे और भी ऐसी कई बातें हैं। दरअसल शिवपुरी में ये सब लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ लड़कियों की सौदेबाजी का ये घोरक धंधा धड़ीचा नामक एक प्रथा के चलते किया जाता है। सदियों से गांव के लोग इस प्रथा को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रथा के तहत यहाँ पर लड़कियाँ 20 रुपए में लोगों के मनोरंजन का सामान बन जाती है। ये प्रथा औरतों और लड़कियों की खरीद फरोख्त की ऐसी प्रथा है जिसकी शिकार युवतियों के पति स्टाम्प पेपर पर साइन होते ही बदल जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है वो एक रात के लिए किया जाता है। हाँ, कभी कभी ज़्यादा पैसे मिलने पर संबंध लंबे समय तक रहता है। कम रकम देने वाले को ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। जैसे ही किसी ग्राहक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उनको भेजी गई महिला को किसी दूसरे पुरुष के लिए तैयार कर दिया जाता है। इसी सौदेबाजी की वजह से ये गांव ना केवल पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में बदनाम है। गांव में रहने वाली महिलाएं कहती हैं कि इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए कई बार सरकार ने प्रयास भी किए, लेकिन ये प्रथा खत्म नहीं हुई। इस गांव से जुड़े कई चौंका देने वाले वीडियो आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जो इस गांव की हकीकत दर्शाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।